गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ क्लास का लेक्चर चल रहा है हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट क्लास में हमने देखी थी कैनिजारो रिएक्शन, इसके अलावा हेलोजिनेशन रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन के लिए अपन ये देख चुके हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, कि ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो बेस की प्रेजेंस के अंदर, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन दे फॉर्म वन मोल ऑफ एल्कोहल एंड अदर विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन देखी है, जब दो फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल आपस में किसी बेस के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो एक मेथेनोल और दूसरा सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन करते हैं। इस रिएक्शन की हमको मैकेनिज्म देखनी थी, ठीक है। तो यहाँ देखें आप, जो अगर हमने NaOH लिया है तो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, KOH लिया तो पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा, और अगर इस सॉल्यूशन को आगे आप एसिडिफाई करते हो तो फॉर्मिक एसिड बन जाता है, ठीक है ना, रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनता है जो भी बेस लेते हैं उसका। मैकेनिज्म देखो, कल मैंने एक बात बताई थी आपको कि इसमें प्रोडक्ट बनते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन के टाइम में जो हाइड्रोजन का शिफ्ट होता है वो एच माइनस का शिफ्ट होता है, जबकि ओवरऑल जितनी भी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस होती हैं सारी रिएक्शंस के अंदर एच पॉजिटिव निकलता है, प्रोटोन के फॉर्म में निकलता है, लेकिन यहाँ किसके फॉर्म में निकल रहा है, एच माइनस। जो H माइनस होता है उसको हम कहते हैं हाइड्राइड आयन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र किसका होता है, हाइड्राइड आयन का। तो हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र इज़ द बेसिक करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, कि हाइड्राइड आयन का शिफ्ट होना कैनिजारो रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान होती है। हालांकि आपसे पूछेंगे नहीं ये बात, पर आपको ध्यान होना चाहिए कि इसके अंदर हाइड्राइड आयन होता है, नहीं कि H पॉजिटिव आयन। एग्जाम्पल देखें, सॉरी मैकेनिज्म देखें, HCH डबल बॉन्ड O फॉर्मेल्डिहाइड, सबसे पहले किसी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। बेस क्या करता है, बेस यहाँ से कार्बोनाइल ग्रुप का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन पहले से, ये भी हाइड्रोजन पहले से, ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव और H, ठीक है। वैसे तो क्या बोल सकते हो आप, डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो बेस होता है वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, लेकिन यहाँ देखें जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा डबल बॉन्ड वापस शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ आते टाइम ये हुआ है कि इसने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, खुद की एंट्री हो गई, तो क्या हुआ, पहले स्टेप में खुद जुड़ा है, दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन वापस बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो एच पॉजिटिव, सॉरी एच माइनस यहाँ से निकलेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, ठीक है, H माइनस है बेटा, ध्यान से रखना इसको आप, हाइड्राइड आयन है। अगले स्टेप में क्या होगा, हियर H माइनस सब्स्टिट्यूशन, है ना, कि यहाँ पे H माइनस या हाइड्राइड आयन का शिफ्ट होता है, ध्यान रखनी है बात, नोट लगा के लिखी है मैंने। अगला फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिया हमने, और इस बार हमारे पास जो H माइनस आयन है वो अटैक करेगा, बॉन्ड का मैनर तो वही होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस पे क्या है, पॉजिटिव कार्बन पे, तो इस बार H माइनस अटैक कर लेगा इस पे। लास्ट ईयर हमारे पास क्या था, लास्ट टाइम OH माइनस था, माइनस वाला, तो यहाँ पे H माइनस है, H ने अटैक किया, क्या बन गया, CHHHO माइनस, ठीक है। आगे देखिए, जब देखो अब जिस कंटेनर के अंदर ये प्रोसेस होती है उसके अंदर एच सी डबल बॉन्ड ओ एच जो फर्स्ट मॉलिक्यूल की फॉर्म बनी थी वो, और जो सेकंड मॉलिक्यूल की फॉर्म बनी है वो, दोनों की दोनों क्या है, एक ही कंटेनर में प्रेजेंट है, इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए ये अच्छे से प्रोटॉन डोनर होता है, अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है, है ना। इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो एच पॉजिटिव आयन देता है, क्योंकि आरहेनियस थ्योरी ये कहती है कि सोल्यूशन के अंदर जो एच पॉजिटिव आयन देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, ये एच आयन शिफ्ट करता है, तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी CH3OH और पीछे क्या बचेगा, HCOONO। अब स्टार्टिंग में हमने, अगर बेस आपने OH के साथ में K लिया है तो K आ जाएगा, इसके साथ में O लिया तो O आ जाएगा, नहीं लिखना चाहोगे तो इतना भी छोड़ सकते हो, HC OO- फॉर्मेट आयन बन गए और साथ में क्या बन गया, मिथेनॉल बन गया। समझ आई बात, दोबारा से देखें, HC OH फॉर्मेल्डिहाइड, फर्स्ट स्टेप में कार्बोनाइल ग्रुप का जो बॉन्ड है वो ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे ऑक्सीजन डेंसिटी क्या करेगी, अटैक करेगी, देन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीजन वापस से अपना बॉन्ड फॉर्म करता है, उस टाइम हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के जाता है, आज तक अपनी रिएक्शंस में से देता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर जाता है, लेकिन
किन्हीं जारो रिएक्शन में एच एच माइनस के फॉर्म में निकलता है, वो यहाँ पीछे क्या बनता है, एच सी डबल बोन ओ ओ एच, फॉर्मिक एसिड बन गया। नेक्स्ट जो फॉर्मल्डिहाइड मोलिक्यूल है उसके साथ में ये एच माइनस आयन अटैक करता है, वापस से वही बॉन्ड उसी मैनर में ब्रेक डाउन होता है। इस बार क्या बना है, एल्कोक्साइड आयन बना है, एल्कोहल का है ना, एल्कोक्साइड आयन बना है, मिथोक्साइड बोल सकते हो इसको। इस आयन के अंदर कंटेनर में ये आयन भी प्रेजेंट है और ये आयन भी प्रेजेंट है, दोनों हैं, इसलिए क्या होगा, स्टेबिलिटी के लिए दोनों आपस में ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो H प्लस डोनेट करेगा, जैसे ही H प्लस डोनेट करेगा मिथोक्साइड आयन मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और फॉर्मिक एसिड फॉर्मेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होती है कैनिजारो रिएक्शन। अगला देखें, जैसे अदर एग्जांपल आपने लिया C6H5CHO और HCHO, कंसनट्रेट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है आपको। तो जब भी आप रिएक्शन करवा रहे हो तो इनमें से एक मॉलिक्यूल का एसिड और दूसरे का क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। वैसे ये एग्जांपल मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया है, इस एग्जांपल में काफ़ी डिफिकल्टी आती है आपको। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन से मॉलिक्यूल का तो मैं एसिड बनाऊँ, कौन से का एल्कोहल बनाऊँ, तो आप इसको छोड़ दो। ठीक है, बाकी अदरवाइज मैं बता देती हूँ आपको। देखो, एलिफेटिक एसिड होते हैं वो मोर स्टेबल मोर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं किसके बजाय, एरोमेटिक के बजाय, तो इसका तो बनेगा एसिड और इसका क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ये बहुत आगे की टर्म होगी है, तो इसको आप छोड़ दें। या फिर आप इसको यू कर सकते हो, जैसे HCHO का एग्जांपल ले लिया तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, C6H5CHO और ये क्या हो गया C6H5COOH, एक मॉलिक्यूल का क्या बन गया एसिड, दूसरे का क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। क्योंकि उसके अंदर आपको फिर स्ट्रेंथ चेक करनी होगी, स्ट्रेंथ के अपोजिट अगर प्रोडक्ट बनाते हो तो फिर वो गलत होता है ना। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन नहीं है आप लोगों के, सिर्फ और सिर्फ कैनिजारो रिएक्शन है। उसमें फिर स्ट्रेंथ देखना, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, कौन सा नहीं है, फिर एसिडी की स्ट्रेंथ आनी चाहिए। सो एग्जाम्पल मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया था, तो आप इसको C6H5 बेंजल्डिहाइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मॉलिक्यूल, दोनों में से किसी एक का एल्कोहल है, दूसरे का क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बन गया। ठीक है, टिन सेंको रिएक्शन नहीं है आप लोगों के सिलेबस में। नेक्स्ट देखो, यूजेज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आते हैं, उसके अंदर देखो दो ही हैं आप लोगों के। सबसे पहला है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एक तो देखो बोर्ड का ये पैक्ट क्वेश्चन बन गया है, गिव द IUPAC नेम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, ऐसे। तो आपको ये दो मेंबर ही ऐसे हैं जिनके कॉमन नेम काफ़ी फेमस है ना, तो आपको ध्यान रखना। जैसे फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, एसीटोन है ना, इस तरीके से। तो HCHO का IUPAC नेम है मेथेनल, कॉमन नेम है इसका फॉर्मल्डिहाइड। सबसे पहली बात तो ये आती है, द 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मेलिन, कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है उसका 40% मतलब पानी, ये कंटेनर है उसमें 60 लीटर या फिर यूँ मान लो 6 लीटर पानी है, तो 4 लीटर क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, यानी 4 और 6 है ना, उसका 40% 40% एक्वस सॉल्यूशन है, उसको अपन फॉर्मेलिन बोलते हैं। और फॉर्मेलिन क्या होता है, बायोलॉजी के जो सैंपल्स वगैरह होते हैं उनको प्रिजर्व रखने के काम में आता है ना, सैंपल जो होते हैं उनको प्रिजर्व करने के काम में आता है। या फिर आप भी बोल सकते हो, जैसे मेडिकल के अंदर जितनी भी जो सर्जरीज वगैरह होती हैं उसके अंदर जो भी डायग्नोसिस के लिए जाती हैं, तो जो भी एक्सट्रैक्ट पार्ट निकलता है उसको जो सोल्यूशन में रखा जाता है वो क्या होता है, फॉर्मेलिन होता है। ठीक है ना, जैसे किसी को स्टोन वगैरह है इस तरीके से, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस भी किसी सब्सटेंस को रखेंगे उनमें इन्फेक्शन नहीं होने देते। और बेकेलाइट के फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा आता है। देखो, पॉलीमर वाला आपका चैप्टर हो चुका है, जब फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, एक लीनियर चेन बनती है जिसको नोवोलेक कहा जाता है। नोवोलेक के अंदर क्या बनती है, जब क्रॉस बॉन्डिंग होती है तो एक हार्ड एंड रिजिड पॉलीथीन बनती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेकेलाइट बोलते हैं। और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की कैटेगरी में आता है बेकेलाइट। ठीक है ना, लीनियर चेन थी, नोवोलेक था, ठीक है। नोवोलेक के अंदर क्या होती है, 1-6 बॉन्डिंग दोबारा होती है, क्रॉस बॉन्डिंग बोलते हैं जिसको। उसके बाद में क्या बोलती है, हार्ड एंड रिजिड प्लास्टिक बनती है जिसको अपन बोलते हैं बेकेलाइट। ठीक है, तो
तो डिसइंफेक्टेंट है, बेकेलाइट के फॉर्मेशन है में है, और फॉर्मेलिन जो सैंपल्स को क्या करने के काम में आता है, प्रिजर्व करने के काम में आता है, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ तक का। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम मिथेनेल है। अगला जो आता है वो देखें, अगला कंपाउंड है एसीटेल्डिहाइड, है ना, CH3CHO। एसीटेल्डिहाइड का IUPAC नेम तो हो गया एथेनेल। ठीक है, एथेनेल। एक तो डाइज इंडस्ट्री के अंदर इसको काम में लेते हैं। डाइज इंडस्ट्री का मैं आपको याद दिलाऊं कि अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स की जो रिएक्शन करी थी उसके अंदर अपने पास में जो नाइट्रोजन एजो कंपाउंड्स बनते हैं उनका यूज अपन करते हैं डाइज के लिए। वो डार्क ग्रीन कलर की, डार्क रेड कलर की, मतलब बहुत डार्क कलर की डाइज होती है, उसकी होती है यूज एज द नोजल स्प्रे। नाक बंद होने पर एक स्प्रे जैसा आता है जिसको सूंघ करके, सूंघ नहीं बोलते हो जिसको आप, तो जो नोजल स्प्रे आती है ना सूंघने के लिए आती है, उस नोजल स्प्रे के अंदर भी कौन सा भरा हुआ होता है, एसीटेल्डिहाइड होता है उसका एक कंटेंट। और यूज एज द रबर एसीलेटर। रबर एसीलेटर का मतलब होता है कि जब रबर बनाते हैं तो उसका जो बेस कंटेंट होता है उसके अंदर, है ना, बेस कंटेंट होता है उसके अंदर एज ए सॉल्वेंट किसको मिलाते हैं अपन, एसीटेल्डिहाइड को मिलाते हैं। ठीक है ना, रबर फॉर्मेशन के टाइम में एज ए सॉल्वेंट ही इसको मिलाते हैं, एसीटेल्डिहाइड को। अगला जो कंपाउंड है वो है कीटोन्स। कीटोन्स का तो देखो एक ही है, कीटोन्स को यूज एज द मेडिसिन। ठीक है, यूज एज द नेल पेंट रिमूवर, पता है, और यूज एज द सॉल्वेंट, क्योंकि जो इनर्ट मीडिया बनाने होते हैं वहाँ पे एसीटोन या फिर कीटोन लिए जाते हैं, है ना। एसीटोन की प्रेजेंस में बहुत सारी रिएक्शन करवाते हैं, जैसे सोडियम प्लस एसीटोन की प्रेजेंस में करवाते हैं, जैसे ग्रिगनार रिएजेंट की जो रिएक्शंस होती है, जैसे ईथर की प्रेजेंस में होती है, ठीक वैसे ही कई रिएजेंट ऐसे होते हैं जिनकी रिएक्शन कीटोन या एसीटोन की प्रेजेंस में करवानी होती है। तो ये इनके बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट यूज़ हैं, आपको ध्यान रहनी चाहिए इसके अंदर। LDH कीटोन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है ना, LDH कीटोन के अंदर और नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं ट्वेल्थीज, सबसे रिक्वेस्ट है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैंने देखी भी है, उसके अंदर कई सारे जैसे रिएक्शन है उनके अंदर क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड आउट द सुटेबल प्रोडक्ट, और कई बार दे रखा है गिव द सुटेबल IUPAC नेम फॉर गिवन कंपाउंड्स, कईयों की रिएक्शन दे रखी हैं, कईयों की बाई लैंग्वेज दे रखी हैं, कईयों के आंसर दे भी रखे हैं, नहीं भी दे रखे, तो आप उनको पहली बार तो सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, नहीं होते तो आप पूछ सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके अंदर मैंने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है जो आपको नहीं ध्यान आए, तो बार बार उसको पढ़ें, उसके बाद में उन चैप्टर्स को आप सोल्व करने की कोशिश करें, एग्जांपल्स वगैरह को, और अगर कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी आती है तो उसको नोट आउट करके लिखे फिर बता दो। ठीक है, LDH कीटोन्स के बाद में अपना जो अगला टॉपिक आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव COOH ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोलते हैं, जिसमें सी डबल बॉन्ड OOH ग्रुप आता है, इट कंटेन सी डबल बॉन्ड O यानी कार्बो और OH यानी हाइड्रोक्सिल, तो दोनों को वर्ड कॉमन मिला करके बोल दिए, एक का फर्स्ट नेम तो एक का लास्ट नेम, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, बोथ ग्रुप आर प्रेजेंट, कौन कौन से होते हैं, एक तो कार्बोनाइल ग्रुप होता है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसके अंदर भी कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, क्योंकि सेम कार्बोनाइल जैसी स्ट्रक्चर है, बट ये कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है। स्टार्टिंग जब चैप्टर आया था उस टाइम ये डिस्कस हो गया था कि कार्बोनाइल कंपाउंड में सिर्फ LDH और कीटोन्स को ही लेते हैं। ठीक है, अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ, जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उसका बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल आयन होता है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलेट आयन ही होता है, क्योंकि वो रेजोनेंस के टाइम में आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर जब बनती है तो उसकी स्टेबिलिटी किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है ना, सबसे अच्छी स्टेबिलिटी ही कार्बोक्सिलेट आयन की होती है। देखो सी डबल बॉन्ड ओ OH, ऑक्सीजन अपना शिफ्ट इधर करेगा जब H+ की फॉर्म में, क्यों, क्योंकि एसिड हमेशा H पॉजिटिव देते हैं। जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ निकलता है उसकी सिचुएशन होती है सी डबल बॉन्ड O-। ठीक है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन पे माइनस,
ठीक है, आप चाहो तो इसको डबल बॉन्ड इसको ऑक्सीजन से दिखा सकते हो, या आप चाहो तो इसको डबल इसको ऑक्सीजन से दिखा सकते हो। दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की आइडेंटिकल होती हैं, बोथ आर मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कार्बोक्सिलेट आयन की दोनों ही स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। उसकी स्टेबिलिटी का रीज़न ये है, एक तो दोनों आइडेंटिकल एक दूसरे की, दूसरा ये है कि इसके अंदर दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर निगेटिव चार्ज है, वो मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जब मेजर करते हैं ना, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके अंदर ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे होना चाहिए और निगेटिव मोस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव एटम पर हो, तो वो सबसे अच्छी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन जो है उसकी ये निकल गया यहाँ से दोनों स्ट्रक्चर। नोमेनक्लेचर में देखो जनरल फॉर्मूला होता है इसका CnH2n+1COOH, कोई बात नहीं। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले अपन देखते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम में बार बार एक ही चीज़ आती है, कॉमन नेम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉमन नेम सिर्फ और सिर्फ याद करने होते हैं, क्योंकि वो कोई भी कंपाउंड जिस सोर्स से मिला है उसी सोर्स से उसका नाम निकल गया बस, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई ऑथेंटिक रीज़न नहीं है कि उसका नाम यही क्यों रखा, यही क्यों, जिस भी जगह से वो मिला है उसी से उसका नाम लग गया। जैसे सबसे पहली बात है HCOOH, 10th का भी फेमस क्वेश्चन है तो 12th का भी है, HCOOH फॉर्मिक एसिड है ना। फॉर्मिक एसिड का सबसे पहली बात है कहाँ से मिलता है, फॉर्मिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, स्टिंग ऑफ आंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, आंट्स की जो स्टिंग होती है, ठीक है ना, उसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है CH3COOH, किसको बोलते हैं, एसिटिक एसिड को बोलते हैं, ये किस में होता है, विनेगर में प्रेजेंट होता है, इसलिए। नेक्स्ट है ये CH3CH2COH, तीन कार्बन होते हैं उसको प्रोपियोनिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि ये फेट के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है 4 का ब्यूटायरिक एसिड, जो कि इसमें प्रेजेंट होता है, डीनेचर्ड बटर जो होता है, घी जो होता है सड़ा हुआ, उस घी के अंदर प्रेजेंट होता है ना, सड़े हुए घी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्यूटायरिक एसिड होता है। और नेक्स्ट क्या है, वैलेरिक एसिड, नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर या कॉमन मेथड के अकॉर्डिंग जब 5 कार्बन की सीरीज हो तो उसको अपन बोलते हैं वेलेर, ठीक है ना, वेलेर बोलते हैं। तो 5 कार्बन की सीरीज को वेलेर, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, वैलेरिक एसिड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये वेलेरियन कोई प्लांट होता है जिसकी रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वैलेरिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड आंट्स के अंदर, एसिटिक एसिड विनेगर में, प्रोपियोनिक एसिड फैट के अंदर, ब्यूटेनोइक एसिड किसके अंदर, डीनेचर्ड फैट के अंदर सड़े हुए घी में, और वैलेरिक एसिड वैलेरियन प्लांट की रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। कॉमन मेथड का इसके अलावा और कोई एग्जांपल नहीं है। इसके अलावा जैसे सिट्रिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना, तो ये आप लोगों के है ना, डाइकार्बोक्सिलिक, ट्राइकार्बोक्सिलिक है ना, पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिया, अदरवाइज तो एक बहुत वाइल्ड कैटेगरी हो जाती है ना। जैसे ऑक्जेलिक एसिड किसको बोलते, मेलोनिक है, सक्सेनिक है ना, तो वो आप लोगों के हैं नहीं, जितने हैं वही मैंने आगे लाने की कोशिश करी है। इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा मैं हाईलाइट यही कर रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड जो है फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का आपको IUPAC नेम पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है, बाकी कोई नहीं पूछता आपसे। आंट्स ऑफ स्टिंग में है, विनेगर सॉल्यूशन में, सबको पता है, वेल नोन है, 10th से पढ़ते आ रहे हो इनको। तो फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम एक कार्बन, मिथेन, ओइक एसिड तो मिथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड में 2 कार्बन तो इथेन ओइक देन इथेनोइक एसिड, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसी में भी मैंने पीछे भी यही बोला था, फॉर्मेल्डिहाइड एल्केनिल तो मिथेन प्लस एल मिथेनिल, 2 कार्बन है तो इथेन प्लस एल इथेनिल, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर आपको पूछी जाती है, फैक्ट क्वेश्चन होता है, वहाँ से आता ही आता है। तो कॉमन नेम के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे देखो, नेक्स्ट आता है IUPAC नोमेनक्लेचर। देखो IUPAC नोमेनक्लेचर में आपको मैं ये बताऊँ कि जब 11th क्लास में आप लोगों की नोमेनक्लेचर था तो उसके अंदर आपने एक प्रायोरिटी टेबल पढ़ी है, ठीक है ना। प्रायोरिटी टेबल के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है ना। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंट ग्रुप यही होता है। अगर कोई आपके पास एग्जाम्पल गिवन है तो उसमें सबसे पहली प्रेफरेंस किसको देनी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड को देनी होती है। तो आप ये बोल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर, कार्बोक्सिलिक एसिड इज नेम्ड एज एल्केनोइक एसिड, एल्केन प्लस ओइक एसिड, ठीक है ना। इसके लिए सफिक्स जो होता है वो ओइक एसिड काम में लेते हैं अपन।
सबसे पहले स्टार्ट होता है कौन सा, HCOOH, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम है मेथेनोइक एसिड। सेकंड क्या है, दो कार्बन की सीरीज है, CH3COOH, एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड है, ठीक है। फिर तीन कार्बन की चेन है, 1, 2, 3, प्रोपियोनिक एसिड बोल सकते हो या प्रोपेनोइक एसिड बोलते हो। देखो सब कंपाउंड्स के ना, कई बच्चे कई बार पूछते हैं कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, जैसे आती ना, तो सब चीज़ों के कॉमन नेम नहीं है, जितने कॉमन मेथड इसीलिए तो फेल हो गया कि सब लोग सब चीज़ों के नाम नहीं दे पाया, सब चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, इसलिए वो मेथड क्या हो गया, ड्रॉप आउट हो गया। और ऑथेंटिक नाम किसके चलने लगे, IUPAC के। तो इसमें कुछ कंपाउंड्स के ही नाम दे रखे हैं, उसके बाद में क्या होते हैं, उसी मेथड से चलने लग जाते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है इसके अंदर। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए ना होमवर्क छोड़ती हूँ कि आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाएंगे, ठीक है, और टेक्स्ट बुक में जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल्स दे रखे, सारों के नाम खुद करके देखेंगे आप। कल के लेक्चर में जब मैं बोलूँ तो सारे बच्चों को ये नाम साथ में क्लियर होने चाहिए, ताकि सब लोगों को पढ़ने में भी ये रहे, ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए मैं आपको दे रही हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनके नोमेनक्लेचर जो आपको दे रखे, नोमेनक्लेचर में आप चाहे 5 एग्जाम्पल सोल्व करें, चाहे 10 करें, चाहे मैं कर रहा हूँ वो कर रहे हो, चाहे अदर कर रहे हो, रूल वही रहते, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बनी रहे, ठीक है। होप सो सबको समझ आई होगी बात। थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस।